हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? देखिए, ये है मेरा बेबी सनरोज का प्लांट है, तो मैंने इनको कटिंग से ग्रो किया है। बेबी सनरोज को जो है कटिंग से ग्रो करना बहुत ही इजी है। आप इसकी छोटी कटिंग ले या बड़ी कटिंग ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसकी छोटी बड़ी कटिंग दोनों ही लगा सकते हैं। आप अच्छे से इसकी मिट्टी बनाएं। मिट्टी में आप एक हिस्सा मिट्टी ले ले और एक हिस्सा सैंड ले ले और एक हिस्सा जो है वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप ले ले, या फिर आप इसको सिंपल सॉइल में लगाएं तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और मैंने इनको ये कटिंग जो आप देख रहे हैं तो बहुत जल्दी ये बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं और बिल्कुल ये थोड़े दिनों में ये गमले को जो है कवर जो है कर लेंगे। तो मैंने इनको लगाया था एक हफ्ते पहले। और ये कि मेरा प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। पूरी बास्केट मैंने तैयार किया है मेरा, मैंने कटिंग से। तो इनको मुझे लगाए हुए करीबन 2 महीने मुझे हो गए इनको, और बिल्कुल बहुत अच्छे से इन्होंने देखिए गमले को जो है कवर जो कर लिया है। तो इनमें से ही मैंने वो कटिंग जो है मैंने जो अभी दिखाया था उसमें मैंने जो है ग्रो किया हुआ है। तो देखिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत है। अगर इसमें जब इसमें फ्लावर नहीं आए हुए होते हैं तो इसके पत्ते ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप इसको कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कटिंग आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आपको कहीं पे भी ये प्लांट दिखे तो बिल्कुल आप छोटी छोटी कटिंग ले आइए इसकी, और 3-4 कटिंग आप इसको लगा दीजिए तो ही बहुत अच्छे से ये गमले को जो है कवर जो कर लेंगे। तो इसकी मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी आप इसको गमले में लगाएंगे तो आप वेलड्रेन सॉइल लेंगे, एक हिस्सा मिट्टी और एक पार्ट आप उसमें सैंड ले लीजिए, और एक पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप इसमें मिक्स कर दीजिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रो होते रहेंगे उसमें। और बात करते हैं सनलाइट की, तो धूप बहुत अच्छे से ये बर्दाश्त कर लेते हैं। और देखिए मैं जहाँ पे इसको रखती हूँ तो वहाँ पे इसको दिन के 3-4 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाती है, बाकी टाइम इसमें शेड रहती है। तो आप भी कुछ इस तरीके से इसको रखें, और अगर धूप ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सन लविंग प्लांट है, ये धूप बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है। बात करें इसकी फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र आप NPK 19:19 जो आता है वो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के आप दे सकते हैं। इसको हर 10 दिन में एक बार आप इसको दे दीजिए तो ये बहुत अच्छे से उसमें ग्रो होता रहेगा। कुछ इस तरीके से आप इसका ख्याल रख सकते हैं। और कटिंग से ग्रो करना तो बहुत ही ईजी है, इसकी कटिंग आप कहीं पे भी लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रो होता रहता है। जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है तो देखिए इसके पत्ते ही बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और थोड़े दिनों में मेरे ये गमला जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से ये भर जाएगा। अभी बिल्कुल भरा हुआ है ये, लेकिन ये हैंग जो है वो करने लग जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप भी अपने गार्डन में इसको ज़रूर ग्रो कीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मेरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।